ये राजी हैं, ये टिकट देके यहाँ बैठने आए हैं। ये थोड़ा शाही है, बहुत सही है यार। अगर इसने अपनी जो स्मेल है वो तुम्हारे ऊपर छोड़ दी। हेलो यूट्यूब, व्हाट्स गुड और क्या हाल चाल है। तो जी आज का सीन कुछ ऐसा है कि हम आए हैं आज यहाँ पर टोरंटो जू में तुम्हारे पूर्वजों से मिलने, ठीक है। तो हमारे घर से यार ये 40 मिनट का सफ़र था, ठीक है, आराम से आ गए हैं और पार्किंग हमें मिल गया, पार्किंग हमने लगा दिया। बट ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं वेस्ट करेंगे, बातें यहाँ पर नहीं करेंगे। जाने से पहले अंदर एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि इसके बिहाइंड द सीन्स व्लॉग से ज़्यादा तबाही हैं और बहुत सही हैं। तो अंदर चलते हैं एंड लेट्स गो। दिस, अगर तुम कनाडा में हो ना, जब कनाडा आते हो, और अगर तुम ये कहीं पर भी देखो तो थोड़ा उससे दूर हो जाना, क्योंकि ये तुम्हें सड़कों पर भी मिलेगा। और अगर इसने अपनी जो स्मेल है वो तुम्हारे ऊपर छोड़ दी तो भाई जितना मर्जी नहा लो वो नहीं जाएगी। तो इससे बच के रहना अगर तुम आ रहे हो। अब यार अगर तो तुम्हारे साथ किड्स हैं, ठीक है, या फिर तुम्हारे लाइक सिबलिंग्स हैं जो छोटे हैं, तो टोरंटो जू में उनके लिए भी काफ़ी सही एक्टिविटीज़ हैं जो वो इंजॉय कर सकते हैं। एनिमल्स देख के तो इंजॉय हो गई, पर यहाँ पे अलग से प्ले भी बना हुआ है, ठीक है। पीछे का शोर सुन के तुम्हें पता लग ही गया होगा कि यहाँ पर कैसे मज़े हो रहे हैं, तो आ सकते हो। यहाँ पर जो कीड़े हैं यार, ये तो भी सेफ हैं, तुम्हें बचना उन कीड़ों से जो वो तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हें काटने को फिरते हैं पर मिले हुए हैं तुम्हारे साथ, तो ध्यान रखना इस बात का। अब यहाँ पर कैंगरूज तो हैं यार, बट उनके जो वॉक थ्रू है ना, लाइक अंदर से जाके आप क्लोजली देख सकते हो, वो बंद है। बट नो वरीज, स्टिल बहुत सही है, मतलब बहुत सही है यार। ये सही था कि नहीं। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं यूरेशिया वाइल्ड्स में। जानवर इतने अजीज हैं कि दूर से देखो पर छूना नहीं। बाकी के कैमल तो ठीक है, पर ये वाला जो है ना, वाला या वाली कैमल है कि शीप पता नहीं लग रहा। प्रांशु जू में आया, अभी सिर्फ दो चीज़ें कवर की हैं, ठीक है, अभी थोड़ा सा तुरा और कुछ ख्याल है। प्रांशु क्या कहना चाहते हैं? तो हम क्यों जा रहे हैं, हम बैठने चाह रहे हैं, वो ऐसे लाइन में लाइन है। ये राजी हैं, ये टिकट देके यहाँ बैठने आए हैं। और अगर यार चलते चलते तुम लोग थक जाओ तो तुम बैठ भी सकते हो, सही है। बट हम थके नहीं हैं इसलिए हम चलेंगे।
ये पेड़ दो पेड़ दिख रहे हैं सही है ना, मजे है ना, सही है। और तुम्हें मजे आ रहे हैं? आ ही रहे होंगे, चलो सही है। अब यहाँ की चीज यार एक ये भी है कि क्योंकि काफी बड़ा एरिया ना और जानवर ऐसे कवर किए होते हैं और पेड़ वगैरह, तो अगर तुम जानवर ढूंढ लेते हो तो वो भी एक कला है। अगर तुम्हारे में एक कला है तो टोरंटो जू जरूर आओ और मुझे भी दिखाओ। इसी के साथ यूरेशिया वाइल्ड्स हो गया, वो खत्म हो गया। अब हम जा रहे हैं टुंड्रा ट्रैक में। और ये कैनेडियन वेटलैंड में यार तुम्हें मिलेंगे बर्ड्स वगैरह और टर्टल्स। और यहाँ पर ये देख रहे हो, ये नेस्ट है बहुत बड़ा, शानदार है। और यहाँ की वाइब बहुत शानदार है, ऑक्सीजन लेवल बहुत ऊपर हो गया मेरा। अब इससे पहले हम आगे जाएं, हमने लिया एक छोटा सा क्विक स्टॉप थोड़ी रिफ्रेशमेंट के लिए और थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए। और आप भी लीजिए। अभी हम यहाँ अंडर वाटर में आए ना, एंड मेरे को एक फीलिंग है क्योंकि मैंने ये टोरंटो जू का पहले भी एक व्लॉग देखा था कहीं पर, और आई एम श्योर कि यहाँ पे बहुत सही तुम्हें नज़ारा आने वाला है। जस्ट चेक इट आउट। अभी ये सारा जो पीछे एरिया ना, ये सारा एरिया मैंने देखा, यहाँ पे आके खड़ा हो गया और मेरे को कुछ नहीं दिखा। बट द फैक्ट इज वो ये रहा, और हर कोई उससे पानी में ढूंढ रहा है। वो कहाँ ढूंढ रहा है? यहाँ पे हमारे साथ बेवकूफी हो गई थी, बेवकूफी हो जानी थी अगर तू ना देखता तो। प्रांशु ने देख लिया, अदरवाइज हमें पता नहीं लग रहा था हम वहाँ ढूंढ रहे पीछे। कितने लोग पहले निकल गए थे तो भेड़ चाल में हम भी निकलने लगे थे। अभी टुंड्रा ट्रैक में यार जो हमने एनिमल्स एक्सपेक्ट किए थे और जो वाइल्ड लाइफ एक्सपेक्ट की थी वो हमें मिली नहीं है, तो आगे निकलते हैं, कोई बात नहीं। अब हम जा रहे हैं अमेरिकास में। इन केस यू आर वंडरिंग कि कैंपिंग कैसे होती है, तो ये देखो, एंटरटेनमेंट के लिए रेडियो, खाने के लिए फ्रूट्स, सेफ्टी शूज़ जो चाहिए होते हैं चाहे तुम काम करो या कैंपिंग, और थोड़ा सा हंटिंग का सामान, तो गो कैंपिंग। और यार अगर तुम ज़्यादा ड्रिंक्स कर लो या फिर ज़्यादा पानी पी लो तो टेंशन मत लेना क्योंकि यहाँ पर वॉशरूम्स भी हैं, सो डोंट वरी, बिंदास मज़े से घूमना। अभी हमने काफ़ी चीज़ें घूम ली हैं और काफ़ी घूमने वाली बाकी हैं, सो स्टिल स्टे ट्यून्ड। एंड एज यू कैन सी, पापा को फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक है और इसके कारण प्रांशु की, मेरी, मम्मा की अच्छी अच्छी फोटोज़ जो है वो आई जा रही हैं। अगर वो देखनी होगी तो इंस्टाग्राम चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी बाहर था, जैसे ही मैंने वीडियो बनानी शुरू की ये अंदर चला गया, ये थोड़ा शाही है। वो एक दूसरे के खाज कर रहे हैं। और ये ऐसा है कि इसको परवाह ही नहीं, ये आराम से लटका हुआ और मजे हो रहे हैं। चलो भाई आगे चलें। जहाँ पे जानवर इकट्ठा हो जाता है ना, मतलब जहाँ पे वो अपनी बिल से बाहर आ जाता है वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये जैसे रुमाली रोटी नहीं होती वैसा नहीं लग रहा। अब जी एक साइड हमारे जू की जो है वो कवर हो गई है, 6 तरह के एरिया हमने देख लिए, इतनी वैरायटीज देख लिया, उसके लिए लाइक तो जरूर बनता है। अब ये वाले व्लॉग को हम कर देंगे खत्म क्योंकि
अदरवाइज पार्ट टू का मजा नहीं आएगा। और अगर पार्ट टू देखना हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत शानदार कॉन्टेंट आएगा। और कमेंट करके जरूर बता देना कि ये वाला व्लॉग कैसा लगा। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें मिलूंगा दूसरी साइड पर, अभी निकलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अच्छा रुको रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए बिहाइंड द सीन्स भी हैं, ये वाले बिहाइंड द सीन्स देखना, बहुत मजा आएगा। उल्लू रोहन, उल्लू प्रांशु, उल्लू ये वाला ना पक्का फीमेल है। क्यों? कुछ क्यों? वो देख शीशा लगा हुआ। सोलोमन आइलैंड्स किंग है ना, हम कहते हैं कॉड किला। कुछ लोगों की तरह ये भी रंग बदलते हैं, ठीक है।